राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और वरदान लिया कि मैं हमेशा अमर रहूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी पृथ्वी पर जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, वो अमर नहीं हो सकता। तो महिषासुर ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप मुझे यदि अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो आप ऐसा कीजिए कि मैं किसी देवता या मनुष्य के हाथों से ना मरूं। यदि मेरी मृत्यु निश्चित है तो मैं किसी स्त्री के हाथों से मरूं, आप मुझे ऐसा वरदान दें। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब कहते ना कि भाई घमंड आ गया उसको, अहंकार आ गया उसके मन में, और उसने क्या किया, देवताओं पर आक्रमण कर दिया। किसने कर दिया? महिषासुर नामक राक्षस ने, और देवलोक का राजा बन बैठा। तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, महिषासुर की जो बुराइयां हैं वो नित्य प्रति बढ़ती जा रही हैं, यदि ऐसा ही रहा तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। तो श्री विष्णु सहित सभी देवताओं के अंदर से एक शक्ति निकली, एक रोशनी निकली, और उसने एक स्त्री का रूप धारण किया जिसे माँ दुर्गा कहा जाता है। और 9 दिन के भीषण युद्ध के पश्चात 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की। इसीलिए माँ दुर्गा को महिषासुर दर्मिनी भी कहा जाता है। श्री राम जी लंका में 9 दिन रहे थे रावण से युद्ध करने के लिए, उन्हें भी 10वें दिन ही विजय प्राप्त हुई थी। उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की और कमल के पुष्प माँ दुर्गा के चरणों में वो चढ़ा रहे थे, तो माँ दुर्गा ने क्या किया, उनकी एक परीक्षा लेनी चाहिए, उनमें से एक कमल, जो कमल के पुष्प रखे हुए थे उनमें से एक पुष्प को गायब कर दिया। श्री राम जी को क्या कहा जाता है, कमल नयन। उन्होंने देखा कि एक कमल गायब हो चुका है मेरी पूजा से, तो उन्होंने क्या करा, अपना नेत्र अर्पण करने का सोचा कि मैं अपना एक नेत्र ही अर्पण कर देता हूँ माता को। और ऐसा करने के लिए जैसे ही उन्होंने अपना नेत्र निकाला तो माँ दुर्गा ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें ही विजय प्राप्त होगी। केवल रावण पर विजय प्राप्त की या हमने रावण का मेला देखा है, रावण को जलते हुए हमने देखा, ये हमारे लिए विजयदशमी नहीं है, ये हमारे लिए दशहरा नहीं है। हमारे लिए दशहरे का महत्व जब है जब हम अपने अंदर के अहंकार, छल, कपट, भेदभाव और बुराइयों को दूर कर सके। दशहरे को मनाने का जो सही हमारा मतलब हमारा जो महत्व है इस दशहरे का, यदि हम इसे सही से मनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अंदर के रावण को खत्म करना होगा। रावण का मतलब है बुराई, हमें अपनी अंदर की बुराई को खत्म करना होगा, तभी हमारा दशहरा मनाना सफल होगा। जय हिंद, धन्यवाद।